आरपीटीवी न्यूज में आपका नमस्कार मित्रों, इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है। नर्मदा चुनौती सत्याग्रह के सातवें दिन एनडीए नेत्री सुश्री मेधा पाटकर के जल उपवास के कारण स्वास्थ्य चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम छोटा बिरदा में अनशनरत मेधा पाटकर ने डूब प्रभावितों की संपूर्ण पुनर्वास पैकेज की मांग तथा बांध को खाली कराने आदि की मांगों के संबंध में बैठी है। उन्होंने पिछले सात दिनों से अन्न का त्याग कर रखा है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव परिलक्षित होने लगा है तथा उनकी तबीयत चिंताजनक होती जा रही है। वे उल्टियां भी बढ़ती जा रही है। इसी चिंता को लेकर दोपहर 12 बजे जिला कलेक्टर अमित तोमर एवं जिला पुलिस अधीक्षक आर तेनेवार ने सत्याग्रह स्थल पर जाकर मेधा पाटकर का हाल जाना व उपवास तोड़ने की बात रखी व स्वास्थ्य परीक्षण करवाने का आग्रह किया। इस पर उन्होंने मना कर दिया। उसके उपरांत दोपहर 1:30 बजे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत, डीएसपी प्रियंका दुद वे बड़ी संख्या में महिला पुलिस दल बाल के साथ ग्राम बिरदा पहुंचे, जिनको आंदोलनकारियों ने धरना स्थल तक नहीं जाने दिया व उनको उल्टे पैर भारी गहमा गहमी के बीच वापस लौटना पड़ा। कुल मिलाकर माहौल गहमा गहमी भरा हुआ है। कुछ देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, जो आंदोलनकारियों के संयम से टल गई। दीदी, आज अनशन का कौन सा दिन है और प्रशासनिक जो स्तर और जनप्रतिनिधि जो आश्वासन दे रहे हैं उस पर वो कितना खरा उतर रहे हैं? 25 तारीख से शुरू हो सकता है, अभी तक एक भी मुद्दे का जवाब नहीं मिला है। समझ में नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश शासन जो संवाद करके आई वो भी इस प्रकार से क्यों विवाद मिटाने के लिए क्यों नहीं सामने आ रही है। और जब गुजरात बार बार बोल रहा है, मोदी जी बोल रहे हैं, हो सकता है उनके जन्मदिन मनाने के लिए उनको ये सरदार सरोवर का जलस्तर 138-139 जो भी है वहाँ तक उठाना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ तो गांव गांव में हत्या जैसी स्थिति सामने है। शासन प्रशासन ने अभी तक 2 गांव की जांच की तो उसका भी जवाब नहीं दिया है। राजघाट और जंगल पूरा आंकड़ा मध्य प्रदेश शासन ने अभी तय नहीं किया है कि कितने लोग डूब क्षेत्रों में निवासरत हैं। कैसे देंगे चुनौती है गुजरात और केंद्र को, बात समझ के पार है। ये भी महत्व की बात है कि सब कुछ कानून का संविधान का उल्लंघन करते हुए आगे बढ़े। सरकार की ओर से अभी कौन कौन आ चुका आपके पास? गृहमंत्री आए थे, फोन तो आया था, मुख्यमंत्री का नर्मदा मंत्री का मैसेज आया है विदेश से, निर्णय महत्व इनके आने से संतुष्ट है, प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं है उनके यहाँ आने का मेरे से। पर मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा और वहाँ इतना हाहाकार हो रहा है, जल हत्या जैसी है, जो उनकी पुरानी दुनिया की सबसे पुरानी नदी घाटी, यहाँ सैकड़ों मंदिर है, मस्जिदें हैं, गाँव में हजारों पेड़ हैं, 30,000 से कम नहीं है परिवार। कमला सरकार से आप क्या चाह रहे हैं? तो बहुत ही गंभीरता से और हिम्मत से ये सवाल उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री नहीं, कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो केंद्र और गुजरात उनको लाभ भी न देते हुए चुनौती दे रहे हैं, तो इन्होंने राष्ट्रीय स्तर तक ये मुद्दा उठाने की जरूरत है। कल बीजेपी के सांसद जो छतर सिंह दरबार है, उन्होंने धार में कहा है कि आप विदेशी जो ताकत है उनसे चंदा लेकर आंदोलन चला रही है। उनको मैंने स्वयं यहाँ से फोन किया सभी लोगों के सामने, उन्होंने कहा दीदी मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, मैंने तो जैश संगठन के बारे में कहा और आपके बारे में तो मैं बहुत ही क्या बोलते प्रशंसा करता हूँ और मैं तो आपके साथ कभी आया भी था और मैं कभी ऐसा कह ही नहीं सकता।
जैसे मेधा पाटकर जी का सातवां दिन अनशन का है और आज भी मतलब जिस तरीके से कलेक्टर और बाकी लोग आ रहे हैं और आज जिस तरीके से मतलब बड़वानी प्रशासन या पुलिस के द्वारा जो आके पूरा उठाने की तैयारी कर रहा प्रशासन जिस तरीके से बिल्कुल गैरकानूनी जिस तरीके से 1400 की गेट बंद करके खोलना या बंद करना जो बार बार चल रहा है मतलब बार बार जैसे 23 गेट कल तक खुले थे और आज 2 गेट खुले 3 गेट खुले जिस तरीके से बार बार चल रहा है पानी लेवल बढ़ाते जा रहे हैं जो उनके शेड्यूल के अनुसार तो पहले पुनर्वास तो किया जाए जिसमें मध्यप्रदेश सरकार की भूमिका होनी चाहिए स्पष्ट भूमिका होना चाहिए कि हम ये हमारा होगा तो ही हम वो करेंगे तो जिस तरीके से जो गुजरात और केंद्र सरकार जो जिस तरीके से उनकी ताकत दिखा रहे हैं मतलब पानी भरने का प्रयास कर रहे हो लोगों को 32,000 परिवारों को पुनर्वास करना बाकी है तो क्या स्थिति होगी मतलब 192 गाँवों का क्या जल समर्पण लेगी सरकार है आज क्या हुआ था सत्याग्रह में जैसे लेडीज़ पुलिस और बाकी सभी एडिशनल एसपी एसपी और बाकी महिला पुलिस सभी आए थे और उन्होंने दीदी को मतलब चेकअप करने की जो बात कही थी तो लोगों ने उनको पूरा महिलाओं ने आगे जाके कहा कि भाई हम ठीक ठाक है उनको रोका गया कि भाई इस तरीके से आप ज़बरदस्ती ना उठाए बाकी जहाँ करें इस तरीके से पिछली सरकार ने जो किया उसी प्रकार से ना किया जाए क्या ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर सकते हैं लोग बिल्कुल कर सकते हैं जिस तरीके से जो आज लग रहा है उनका रवैया देखकर लगता है कि ज़बरदस्ती कर सकते हैं उठा सकते हैं जिस तरीके से मतलब उनके बहुत सारे लगातार क्रमिक अनशन मतलब अनशन हुए हैं चाहे 1993 का हो 2005 का हो 2017 का हो ऐसे अलग अलग जो अनशन हुए मतलब स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा एकदम वो नहीं कह सकते थोड़ी सी स्थिति बिगड़ी हुई है।